हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है हाइड्रोलिक्स का फोर्थ चैप्टर का आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है साइफन। अब साइफन होता क्या है? साइफन द्वारा हम लोग मतलब किसी हायर प्लेस से जो है लोअर प्लेस पर हम लोग फ्लूड को आसानी से ले जाते हैं। अगर बीच में कोई माउंटेन वगैरह पहाड़ी वगैरह है, हम लोग पहाड़ी तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो यहाँ से एक पाइप लगाए हैं। पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से आपका जो है यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपका पानी आ जा रहा है। तो कभी देखे होंगे नहर वगैरह से पानी निकालने के लिए साइफन का यूज़ करते हैं। मतलब एक पाइप लगा देते हैं जिससे नहर से पानी किसमें जाने लगता है, खेत में जाने लगता है, वही आपका साइफन होता है। या कभी गाँव में आप लोग कोटेदार के यहाँ मिट्टी का तेल लेने गए होंगे, किसका तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल लेने गए होंगे, तो देखते होंगे एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें ऑयल भरा होता है, इसमें एक होल होता है और इसी में से पाइप लगा करके जो है छोटे वाले गैलन में, यहाँ पे एक छोटा गैलन होता है, उसमें जो है आसानी से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूड को ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्लूड ला रहे हैं, तो ये जो पाइप, जिस पाइप की सहायता से ये ला रहे हैं, इसी पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, साइफन कहते हैं। जिनके गांव के आसपास नहर वगैरह होगा वो लोग इसका एग्जांपल आसानी से देखे होंगे। साइफन करके पानी हम लोग जो नहरों से खेत में ले जाते हैं। तो साइफन है क्या? ऐसा पाइप जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का ही उपयोग करके किसी द्रव को कुछ ऊंचाई तक चढ़ाकर फिर निचले तल पर प्रवाहित कर सकते हैं, साइफन कहलाता है। जैसे यहाँ पर रुकावट था, कुछ ऊँचाई था, तो हमने यहाँ पर ले गए और फिर यहाँ कुछ ऊँचाई जा करके फिर नीचे आ रहा है। ये इसका सबसे अपर पॉइंट है, सबसे उच्च बिंदु है। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट होती है। मतलब ये उतनी ही ऊंचाई तक जा सकता है कि यहाँ पे प्रेशर का मान क्या रहे। यहाँ पे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर का मान बहुत कम हो जाएगा, तो आपका लिक्विड वेपराइज होने लगे, वाष्पीकृत हो जाता है, तो आपका ये फ्लो होना बंद हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे फ्लो होना बंद हो जाता है, तो अगर ज़्यादा ऊपर लेते जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। प्रेशर का मान कम होने से होगा क्या, आपका जो फ्लूड होगा वो वेपराइज होने लगेगा। आपका फ्लूड क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा, तो आपका मतलब ये फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो है क्या ये ऐसा पाइप जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का ही उपयोग करके किसी द्रव को कुछ ऊंचाई तक चढ़ाकर फिर निचले तल पर प्रवाहित कर सकते हैं, क्या कहलाता है, साइफन कहलाता है। अब बात करें ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप द्वारा पारेषित द्रवीय शक्ति संचरण। तो यदि पाइप के प्रवेश पर कुल शीर्ष का मान एच, मतलब क्या, एच मतलब जेड प्लस पी अपान रो जी और प्लस वी स्क्वायर अपान टू जी, कुल शीर्ष एच है और पाइप में घर्षण शीर्ष हानि एच एफ है, प्रवाह वेग V है, व्यास D है, लंबाई L है, पाइप का घर्षण गुणांक F हो, तो प्राप्त ये अश्वशक्ति का फार्मूला ये होता है। डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। HP बराबर हार्स पावर में स्मॉल W मतलब रोजी, स्मॉल W पाई डी स्क्वायर अपान 300, ये कैपिटल H इंटू V, कैपिटल H क्या टोटल हेड है आपका, V मतलब इलास्टी माइनस एफ एल फोर एफ एल वी क्यूब अपान 2GD। और HP के अधिकतम मान के लिए कितना HP अधिकतम होगा, अधिकतम मान के लिए V के सापेक्ष अवकलन का मान शून्य होना चाहिए। V मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं HP के अधिकतम मान के लिए, कितना मैक्सिमम पावर होगा, ये तो फार्मूला होगा कितना मैक्सिमम होगा, तो इसके लिए शून्य होना चाहिए। तो यानी DHP अपान DV इक्वल टू शून्य, तो इसका क्या करेंगे, इसका जो V के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब इसका V के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा H माइनस, और यहाँ पे देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा फोर एफ एल वी स्क्वायर होगा यहाँ पे 4FLV² / 2GD इक्वल टू जीरो, और 4FLV² / 2GD ये क्या होता है, ये होता है HF, क्या होता है, HF होता है, तो यहाँ से हो जाएगा H - 3HF = 0, तो यहाँ से HF = H5, यानी कि किसी पाइप में अधिकतम पावर ट्रांसमिशन के दौरान ये जो मिनिमम लॉस जो होगा HF का मिनिमम मान जो होगा वो H/3 होगा, मतलब 1/3 आपका हेड लॉस आपका हो जा रहा है। तो ट्रांसमिशन इफिशेंसी जो हो जाएगा पाइप के द्वारा, इफिशेंसी बराबर H - HF / H, ये फार्मूला होगा, ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से आपका आउटपुट हो गया और H क्या हो गया, इनपुट हो गया,
मतलब इतना हेड लेकर के प्रवेश कर रहा है लेकिन मिल कितना रहा है जो आउटपुट एच माइनस एच एफ, क्योंकि इतना हानि हो रहा है इसको माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए एच एफ बराबर क्या होगा, एच बाई थ्री हो जाएगा। तो एच बाई थ्री इसमें से माइनस कर देंगे तो इफिशियंसी बराबर आ जाएगा 66.67%। तो किसी भी पाइप की मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है वो 66.67% होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वाटर हैमर की। वाटर हैमर क्या होता है, ये सबके घरों में देखे होंगे आप लोग। यदि पाइप में प्रवाहित हो रहे द्रव को अचानक पाइप में लगे वाल्व को बंद करके रेस्ट कंडीशन में कर दे, रेस्ट कंडीशन तो रोक दिया जाए, जैसे किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे टोटी लगी हुई थी और हमने क्या कर दिया, अचानक से रोक दिया, अचानक से रोक दिया जाए तो द्रव का वेग शून्य हो जाने के कारण उसका संवेग भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। अगर वेलासिटी आपकी जीरो हो गई तो संवेग क्या हो गया, जीरो हो गया, संवेग भी नष्ट हो जाता हो जाएगा तथा वाल्व पर बहुत अधिक दाब पैदा होगा। अचानक से क्या हो जाएगा, वेलासिटी जीरो तो वाल्व पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा दाब पैदा होगा, फिर पाइप में दाब तरंगे या कंपन धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो पाइप में क्या हो जाएगा, पाइप में जो है कंपन धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, कंपन धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी और इन्हीं दाब तरंगों के कारण पाइप में, इन्हीं दाब तरंगों के कारण पाइप में ठक ठक जैसी ध्वनि सुनाई शुरू होगी, जिसे हम लोग नॉकिंग कहते हैं, जिसे हम लोग अभिहनन कहते हैं या इंग्लिश में नॉकिंग कहते हैं। तथा प्रवाह के रुक जाने से पाइप में हुई एकदम दाब वृद्धि को, पाइप में चूँकि दाब वृद्धि अचानक से हो गया, दाब वृद्धि को वाटर हैमर या जलाघात कहते हैं या हैमर ब्लो भी कहते हैं। तो वाटर हैमर की घटना कब होती है, जब हम लोग वाल्व को अचानक से ओपन कर दें या अचानक से क्लोज कर दें, दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, वाटर हैमर की घटनाएँ होती हैं। तो ये होता या मैं था ड्यूरिंग ओपनिंग द वाल्व या ड्यूरिंग क्लोज द वाल्व क्या होता है, वाटर हैमर की घटना होती है। अगला हमारा सर्ज टैंक है। क्या है सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक क्या है कि ये मान लीजिए वाटर रिजर्वायर है कहीं पहाड़ी पे जो जल है, अब इसको जो हम लोग टर्बाइन तक लाना है या टर्बाइन से जिस पाइप से ले आते हैं इस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं जिस पाइप से लाते हैं। बहुत लंबा पाइप होता है, वो बहुत मोटे डायमीटर का होता है, 1 मीटर 2 मीटर डायमीटर का ये पाइप होता है, काफ़ी मोटा होता है, टर्बाइन भी काफ़ी आपका बड़ा होता है। तो यहाँ बीच में, यहाँ पे चूँकि अचानक से पानी खोलना रहता है, यहाँ से पानी खोलेंगे तो टर्बाइन में जाएगा, कभी टर्बाइन को बंद रहना होगा तो अचानक से क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। जब अचानक से बंद करेंगे तो क्या होगा, वही P बराबर m into v से v अचानक से हो गया जीरो तो संवेग हो जाएगा, अचानक से जीरो तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बन जाएगा। और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ ऊपर यहाँ बीच में यहाँ एक सर्ज टैंक लगा देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी ये है जो बैक फ्लो होगा वो किस में चला जाएगा, ये सर्ज टैंक में आपका चला जाएगा। इसकी ऊँचाई इस रिजर्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, हमने यहाँ पर छोटा बना दिया है, इसकी ऊँचाई क्या रखेंगे, ज़्यादा रखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेगा, ये प्रेशर रिड्यूस कर देगा, तो हमारा जो नॉकिंग का प्रोसेस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और वाटर हैमर की घटना नहीं हो पाएगी, इससे पाइप वगैरह फटने का चांस नहीं रहेगा। तो ये पाइप वगैरह फटने से हमारी रक्षा करता है, नॉकिंग से हमारी रक्षा करता है कौन, सर्ज टैंक। तो यह पाइपलाइन के प्रवाह में, यह हमारा पाइपलाइन है यानी कि पेनस्टॉक है, पाइपलाइन के प्रवाह में तेज़ी से होने वाले परिवर्तनों के कारण, जो हम अचानक से बंद करते हैं या खोलते हैं, तेज़ी से होने वाले परिवर्तनों के कारण दाब परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, मतलब प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिससे वाटर हैमर की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, मतलब सर्ज टैंक लगाने से वाटर हैमर की घटना नहीं होने पाती है। अगला हमारा है एंकर ब्लॉक। एंकर ब्लॉक क्या है, एंकर ब्लॉक का प्रमुख कार्य पेन स्टॉक पाइप को बद्ध करना तथा पाइप को किसी भी दिशा में गति करने की अनुमति नहीं देना। जैसे हमारा जो पेन स्टॉक आता है, तो पेन स्टॉक की देखिए टॉप भी दिखाया गया, प्लान दिखाया गया, टॉप भी दिखाया गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है और ये फ्रंट व्यू एलिवेशन है। तो पाइप ऐसे आया तो ऐसे नीचे की ओर जाएगा क्योंकि टर्बाइन नीचे रहेगा। तो ये क्या करता है, एंकर ब्लॉक जो होता है, क्योंकि ये बहुत मोटा पाइप होता है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहुत तेज़ी से जाता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है एक तरीके से पाइप पे। तो इसको हम लोग एंकर ब्लॉक की सहायता से क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा पाइप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिले। तो इसको एक तरीके से पाइप को फिक्स करने के लिए, पाइप को बांधने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंकर ब्लॉक का यूज करते हैं। अगला है पाइपों से प्रवेश विभिन्न प्रकार की शेरशानियाँ और शेष होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है विभिन्न शेरशानियाँ, यहाँ सूत्र है, जैसे पहला घर्षण के कारण शेरशानी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, एचएफ बराबर एफ एल वी स्क्वायर अपन 2gd या एफ एल क्यू स्क्वायर अपन 3db/5, ये आप पढ़ चुके हैं डार्सी इक्वेशन। दूसरा आकस्मिक वर्धन के कारण शेरशानी, मान लीजिए पाइप आपका था ऐसे था और अचानक से क्या हुआ, अच्छा नहीं पाइप आपका ऐसे था और अचानक से क्या हो गया, डायमीटर बढ़ गया, तो आकस्मिक वर्धन हो गया, तो इसके कारण भी शेरशानी होगी। इसके कारण जो शेरशानी होगा
ई मतलब यहाँ पे है इनलार्जमेंट, ये इनलार्जमेंट के कारण वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपान टू जी, ये आपका क्या हो जाएगा आकस्मिक वर्धन के कारण शेर शाह। दूसरा आकस्मिक संकुचन के कारण, संकुचन के कारण क्या, ये डायमीटर पहले ज़्यादा था और अचानक से डायमीटर क्या हो गया कम हो गया, तो एच सी मतलब कंट्रैक्शन के कारण वन अपान सी सी, सी सी होता है कोफिशियंट ऑफ कंट्रैक्शन, माइनस वन का होल स्क्वायर और इन टू वी स्क्वायर अपान टू जी बराबर 0.5 वी स्क्वायर अपान टू जी, तो ये आपका हो गया ये आकस्मिक संकुचन के कारण। एक फार्मूला हमने बताया था कि सी डी बराबर सी सी इंटू सी वी होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में। सी डी सी सी और सी वी में क्या संबंध होता है, सी डी को कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं विसर्जन गुणांक, सी सी को हम लोग बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ कंट्रैक्शन संकुचन गुणांक, सी वी को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग गुणांक हम लोग बोलते हैं, तो ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर, बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर शेर शाह, मान लीजिए कोई टंकी था और इसमें से पाइप लगा हुआ है, इसमें पाइप में प्रवेश पर शेर शाह, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 0.5 वी स्क्वायर टू जी, एच एंट्री हो रहा है पाइप में 0.5 वी स्क्वायर अपॉन टू जी। अगला है निकास के कारण शेर शाह, मान लीजिए कोई पाइप था इसमें से कोई द्रव बह रहा था, ऐसे कोई पाइप था और कोई द्रव बह रहा था और ऐसे क्या हो रहा है गिर रहा है वायुमंडल में, ऐसे गिर रहा है तो निकास के कारण से आसान, ये भी क्या होता है, ये होता है एच बराबर वी स्क्वायर अपान टू जी, ये क्या होता है एच बराबर वी स्क्वायर अपान टू जी होता है। अगला रुकावट के कारण से आसान, मान लीजिए कोई पाइप था ऐसे और बीच में कोई ऐसे रुकावट आ गया, बीच में कोई रुकावट ऐसे आ गया, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ है उसका एरिया जो होगा कम होकर के एरिया जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए नॉट, और मेन पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ए नॉट क्या है जो कम होकर के हुआ है, तो एच ओ हो जाएगा आपका कि के वी स्क्वायर अपान टू जी ब्रेकेट में ए अपान ए माइनस ए नॉट इंटू सी सी और माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर के वी स्क्वायर अपान टू जी, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगला दिशा परिवर्तन या मोड़ के कारण, मान लीजिए कोई पाइप था ऐसे और पाइप ऐसे मुड़ गया, ऐसे पाइप मुड़ गया तो इसके कारण एच बी बेंड के कारण के वी स्क्वायर अपान टू जी, अगर आपका बेंड 90 डिग्री है तो उसके लिए के बराबर वन लेते तो उसके केस में एच बराबर वी स्क्वायर अपान टू जी हो जाएगा। अगला विभिन्न प्रकार की फिटिंग्स के कारण, जैसे पाइप है एक पाइप को जब दूसरे पाइप में जोड़ते हैं तो यहाँ पे फिटिंग लगाते हैं, या डायमीटर कम या ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिटिंग लगाते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा के वी स्क्वायर अपान टू जी, और ये फिटिंग पर निर्भर करेगा किस टाइप का फिटिंग है उस पर आपका के का मान निर्भर करेगा। आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या हाइड्रोलिक स्लोप लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, तो अगर हम लोग बात करें द्रव्य ढाल रेखा या संपूर्ण ऊर्जा रेखा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका है, ये आपका है डेटम लाइन, ये क्या हो गया डेटम लाइन हो गया, यहाँ से आपका एक टंकी ये है और एक टंकी ये है, यहाँ से फ्लो हो रहा है एक पाइप की सहायता से इसमें हो रहा है, यहाँ पे पाइप में हमने एक जगह पीजोमीटर ट्यूब लगाया, यहाँ पे आपका प्रेशर हेड पी वन अपान रो जी है, स्टैटिक हेड जेड वन है और वी वन स्क्वायर अपान टू जी का वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग पीटा ट्यूब लगा करके मेजर कर सकते हैं, यहाँ पीटा ट्यूब एक लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पॉइंट टू पे जो है स्टैटिक हेड जेड टू है, प्रेशर हेड पी टू अपान रो जी है और वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर अपान टू जी, इसको किससे मेजर करेंगे पीटा ट्यूब से, और यहाँ पे जो द्रव का लेवल है ये एच टू है और यहाँ पे द्रव का लेवल जो है एच वन है, तो यहाँ पे जो आपका जेड प्लस पी अपान रोजी से होकर के जो लाइन जा रही है, जेड प्लस पी अपान रोजी से ये वाली लाइन जा रही है, ये लाइन जो होती है ये कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और जो लाइन जेड प्लस पी अपान रोजी और प्लस वी स्क्वायर अपान टू जी से होकर के जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, उसको क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं। तो इसमें देखिए इस फिगर में ये वाली लाइन ये किससे जा रही है, ये जा रही है जेड प्लस पी अपान रोजी से, देखिए ये पी अपान रोजी से जा रही है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये किससे जा रहा है ये जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान टू जी, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी लाइन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्य ढाल रेखा स्थैतिक शीर्ष यानी जेड और दाब शीर्ष यानी कि पी अपान रो जी की योग का रेखाचित्रीय प्रदर्शन, यानी द्रव्य ढाल रेखा जो हो जाएगा पी अपान रो जी प्लस जेड का रेखाचित्रीय प्रदर्शन, और संपूर्ण ऊर्जा रेखा जो होता है किसी आधार रेखा से किसी पाइप के विभिन्न परिच्छेदों काटों पर स्थैतिक शीर्ष यानी जेड प्लस दाब शीर्ष यानी पी अपान रो जी और प्लस वेग शीर्ष यानी वी स्क्वायर अपान टू जी की योग का रेखाचित्रीय प्रदर्शन होता है, यानी संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या हो जाएगा पी अपान रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपान टू जी का रेखाचित्रीय प्रदर्शन। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।